इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है गाइस, मतलब ये हैदराबाद में। सो मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा चर्च है, ये मॉल और स्टेडियम की तरह दिख रहा है। ओके सो गाइस, फाइनली सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टूर EP1। सो गाइस, दिस इज EP2। अगर आप लोगों ने EP1 नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना, मतलब बॉम्बे से लेके कर्नाटका का हम लोग ने टूर व्लॉग बनाया था। गाइस, दिस इज द सेकंड व्लॉग, मतलब अभी हम मन्ना केडी में खड़े हैं, यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं हैदराबाद। सो जैसे कि आप सामने हमारी गाड़ी देख सकते हो, सो हम पूरा सामान पैक कर लिया है सागर और मैंने, और यहाँ से हम सीधा हैदराबाद जा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर उसके भाई को पिकअप किया, और वो एक्चुअली वो लोनावला गया था घूमने के लिए, मतलब हमारे इधर गया था कातलदर वाटरफॉल। सो वो लोग भी हमें मतलब इधर ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग साथ में जा रहे हैं यहाँ से, मतलब हमारे साथ हिमालय ने और यमा झेड़ा रहे। सो वही तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ से हमारा सेकेंड सफ़र शुरू हो रहा है। सो 155 किलोमीटर हमें कवर करने का है यहाँ से। सो चलो आगे चलते, लेट्स गो। हम लोगों ने 105 किलोमीटर कवर कर लिया है, मतलब अभी ब्रेक लिया है हम लोगों ने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक बेस की पॉइंट है जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्रेक लिया है, तो यहाँ से हैदराबाद और दूर है, सो हम यहाँ पर रुके। सो जैसे कि आप देख सकते हो 105 किलोमीटर गाइस हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, बेस की पॉइंट के पास हम लोग रुके, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ते। सो चलो चलते हैं। गाइस, मुझे आप लोगों से बात करनी थी, मतलब जिस हिसाब से व्यूज आ रहे बट सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मतलब मेरे चैनल को, बिकॉज व्यूज आ रहे बट सब्सक्राइबर कम है। आई नो कि मैं मतलब बीच में इनएक्टिव था, सो मैं फिर से एक्टिव हो चुका हूँ यूट्यूब पर। सो वही कहना था, मतलब मुझे पता है कि मेरा बहुत फ्रीज हो चुका है चैनल, बट जिस हिसाब से मैं मतलब आप लोगों को क्वालिटी दे रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, वो हिसाब से मतलब व्यूज़ कम आ रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं अच्छा खासा गेन कर लूँगा। सो वही कहना था, सो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब पैसा नहीं लगता उस चीज़ के लिए, मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना दूर आ रहा हूँ, मतलब हमने ये जो ब्लॉग है ना, हम लोगों ने मतलब 1500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, मतलब चैलेंज है हमारा। सो वही, सो दिस इज EP2 बेसिकली। सो EP1 नहीं देखा तो वो भी एक बार देख लेना, वही कहना था। आगे बढ़ते, चाहे जैसे ही खत्म होता है आगे बढ़ते। ओके सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, मतलब लोकेशन पे दिखा रहा था 155 बट वी जस्ट कवर इन 147.5 किलोमीटर। सो अभी हम सागर के घर पे आ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा फ्रेशन अप होते, फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके सो गाइस, दिस इज Day 3, आई एम मेकिंग EP2। सो गाइस, मैं आज EP2 कंटिन्यू कर रहा हूँ, कल मैंने रात एंड किया था, सो आज सुबह मतलब अब मैं हैदराबाद में हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। सो मैं EP2 कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो यहाँ से मैं एक चर्च एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा चर्च है कलवरी टेम्पल करके। सो उसकी हिस्ट्री मुझे तो पता नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, बट मैं हिस्ट्री जान के आप लोगों को बता दूंगा, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री दे दूंगा। सो वही कहना था, भूख भी लगी है, सो यहाँ से पहले चलते चर्च, चर्च एक्सप्लोर करने के बाद मतलब मार्केट में एक अच्छा रेस्टोरेंट देखते, वहाँ पर कुछ खाते, उसके बाद फिर EP3 कंटिन्यू करते।
सो वही लेट्स गो। ओके सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब चर्च के बाहर ही मैं खड़ा हूँ। गाइस यहाँ पर पार्किंग देखो, कितने लोग यहाँ पर आए, मतलब आज संडे है सो बहुत क्राउड है। मतलब अगर आपको आना है सो मंडे टू फ्राइडे आप आओ इधर, सैटरडे संडे बहुत क्राउड रहता है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे बाइक लगे यहाँ पर, मतलब बाइक पार्किंग है, मतलब अंदर बहुत सारी पब्लिक है आज। सो चलो आगे चलते, लेट्स गो। ओके सो गाइस मैं चर्च के बाहर ही खड़ा हूँ, कलवरी टेम्पल जैसे आप पीछे देख सकते हो लिखा है। सो हमें अंदर जाना है, अंदर वीडियो के लिए परमिशन है या नहीं मुझे पता नहीं, तो देखते हैं। अगर परमिशन मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो मतलब मैं फुटेज कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो अंदर चलते, लेट्स गो। ओके सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इतना बड़ा चर्च मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ गाइस, मतलब हैदराबाद में इतना बड़ा चर्च है। सो जैसे कि आप देख सकते हो मतलब बहुत सेफ्टी है यहाँ पर, और मतलब यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना गाइस, बेस्ट मैनेजमेंट आज तक मैंने देखा लाइफ में, मतलब बहुत सही है। थोड़ा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते उसके बाद अंदर जाते, अंदर भी दिखा दूंगा आपको अगर वीडियो अलाउड रहेगी तो। सो वही कहना था। ప్రేమిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు నాయన తమ జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్నారు, అంగీకరించింది, పాతరోత జీవితాన్ని దూరం చేసేసి పరిశుద్ధమైన జీవితం ప్రారంభించి యేసు నామం పేరట వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దేవుడు మాతో సూటిగా మాట్లాడాడు, వారు గట్టిగా చప్పట్లు కృతజ్ఞత కలిగిన వారు మన మధ్య ద్వారా ఉన్నట్లయితే మీ చేతుల్లో కృతజ్ఞత ఆహ్వానం తీసుకుంటారా ఈ నెల. ओके सो गाइज मुझे यहाँ पर आके आधा घंटा हुआ है, जिसके आप पीछे मेरे देख सकते हो गाइज, कोई स्टेडियम नहीं है, ये चर्च है, इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है गाइज, मतलब ये हैदराबाद में। सो मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा चर्च है, ये मॉल और स्टेडियम की तरह दिख रहा है। सो वही कहना था, मतलब यहाँ पर कितना क्राउड था 10 मिनट पहले आप लोगों ने देखा ही होगा। सो गाइज यहाँ पर डॉक्टर सतीश कुमार सर यहाँ पर स्पीच देने के लिए आते, मतलब वो पीस फैलाना चाहते। सो यहाँ से बहुत लोग दूर से मतलब उनका स्पीच सुनने के लिए आते। सो वही कहना था जिसके आप देख सकते हो। सो यहाँ पर गाइस बैचेस होते हैं फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब इवनिंग तक बैचेस होते हैं अलग अलग। सो वही तो अलग अलग बैचेस में लोग आते हैं, मतलब उतना ही क्राउड रहता है, मतलब कम से कम 15,000 से लेकर 20,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब इतनी जगह, मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब इतना बड़ा मतलब स्टेडियम की तरह चर्च बना है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। सो वही कहना था, सो चलो बाहर चलते हैं। सो गाइज मैं फिर से आ चुका हूँ पार्किंग में, मतलब मैंने व्लॉग कंप्लीट कर दिया है, मतलब दिस इज़ EP2, और मैंने आप लोगों को हैदराबाद का कैलवरी टेम्पल भी दिखा दिया है, मतलब बहुत बड़ा चर्च है। सो वही व्लॉग एंड कर रहा हूँ, अभी बढ़ते EP3 के तरफ। सो वही सब्सक्राइब करो जाके चैनल को, और वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक करो, और कुछ नहीं
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, EP3 में मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।